हम अगर उनके राम राज्य की अवधारणा के रास्ते पे चल के अगर एक जेन्युइन कोशिश, सार्थक कोशिश भी कर सकें, तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इस सदन के अंदर बैठे सभी, इस सदन का भी एक तरह से सार्थक वो हो जाएगा। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके, प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके और उनकी रामराज की अवधारणा को दिल्ली के अंदर पूरी साफ सुथरी नीयत से लागू करने के लिए पिछले 6 साल से हम प्रयासरत हैं। और हमने एक तरह से 10 अपने मुख्य बिंदु बनाए हैं, 10 प्रिंसिपल्स बनाए हैं रामराज की अवधारणा से प्रेरणा लेके। उसमें सबसे पहला बिंदु है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। इसके लिए किस्म किस्म के प्रयास कर रही है सरकार। नॉर्मल जिंदगी में भी नहीं सोना चाहिए जब शांति हो रही है, और कोई अगर महामारी आ जाए, कोई कुछ हो जाए, तब भी कोई भूखा नहीं होना चाहिए। उसके लिए किस्म किस्म की योजनाएं बनाई जाती हैं, किस्म किस्म की। हमने महामारी के दौरान लोगों के 1 करोड़ लोगों को सूखा राशन दिया, 10 लाख लोगों को 2 समय का कुक्ड मील देते थे। हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं की उस दौरान। और अब ये जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन है, जब घर घर लोगों को राशन पहुंचाएंगे, ये भी उसी दिशा के अंदर है कि हमारी दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरी, हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, कितना ही गरीब का बच्चा क्यों ना हो, चाहे भिखारी का बच्चा भी क्यों ना हो, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये अभी तक हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था थी कि गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, व्यवस्था खत्म की हमने दिल्ली के अंदर। अब ऐसी व्यवस्था दिल्ली के अंदर नहीं है। अब चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और अब हर बच्चे को एक जैसे पढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, और पढ़ने के बाद उनको एक जैसे नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। रामराज की अवधारणा से प्रेरणा लेके हमारा तीसरा प्रिंसिपल है कि अगर कोई बीमार हो जाए, तो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, उसको बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर तो चला गया 5-स्टार अस्पताल में और गरीब बेचारा धक्के खा रहा है कहीं और। सरकारी अस्पतालों का जो बुरा हाल था उसको ठीक किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अब महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर रहने वाले हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, उनको अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। प्रभु श्री राम के से प्रेरणा लेके हमारा चौथा प्रिंसिपल है कि चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें मैं जानता हूं 10 रुपए यूनिट बिजली मिलती है, 7 रुपए यूनिट बिजली मिलती है। एक गरीब आदमी तो बेचारा बल्ब नहीं जला सकता। तो अगर आज बिजली जो है ये लग्जरी नहीं है, आज बिजली जो है वो नेसेसिटी है, वो जरूरत है, मूलभूत जरूरत है। तो उन राज्यों के अंदर एक गरीब आदमी जिएगा कैसे बिना बिजली के। तो हमने तय किया भाई 200 यूनिट बिजली एक आम आदमी को जीने के लिए जरूरी है। हमने 200 यूनिट बिजली तक माफ कर दिया। तो आज दिल्ली दुनिया का, देश देश का नहीं, दुनिया का अकेला राज्य है, दुनिया का अकेला शहर है जहां पे लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री में बिजली मिलती है, गरीबों को भी मिलती है, अमीरों को भी मिलती है। उसी तरह से पांचवा हमारा सिद्धांत है पानी। आजकल इन्होंने पानी इतना महंगा कर दिया, बताओ, कि पहले जमाने में कहते थे पानी पिलाने का पुण्य होता है, आजकल पानी पिलाने के लिए सरकारें पैसे लेती हैं कि पैसे दो, पानी नहीं तो पानी नहीं देंगे। अब जिसके पास, गरीब के पास पैसा नहीं है, वो पानी नहीं पिएगा, पानी तो पिएगा।
तुम नहीं दोगे तो चोरी करके पिएगा, फिर उसको पकड़ के जेल में डालोगे तुम, तो ये तो सही नहीं है। तो हमने प्रिंसिपल बनाया, हमारा पांचवा प्रिंसिपल है कि पानी मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, 20,000 लीटर तक पानी। पांचवा है रोजगार, रामराज की अवधारणा के अंदर पांचवा हमने सिद्धांत बनाया कि रोजगार, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। इसके ऊपर भी सरकार तरह तरह से काम कर रही है, अलग अलग तरीके से काम कर रही है, स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है, जॉब पोर्टल्स बनाए गए हैं, रोजगार मेले लगाए गए हैं, किस्म किस्म से रोजगार देने का प्रयास कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हमने सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक अवधारणा है राम राज की, जिसके ऊपर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी साफ सुथरी नीयत से कोशिश कर रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। सातवां है मकान, हर आदमी के सर पे छत होनी चाहिए, इसके लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, खासकर गरीब लोगों के, जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, जो आज बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर रह रहे हैं, जो हम नहीं कह सकते कि इज्जत, उस वो पूरा जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो अच्छा माहौल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनको इज्जत का माहौल मिले, उनके लिए पक्के मकान बना के दिए जा रहे हैं, कई जगह मकान बन गए हैं और कई जगह मकान बना के दिए जा रहे हैं। आठवां सिद्धांत है महिलाओं की सुरक्षा। जिस राज्य के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की इज्जत नहीं है, वो समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, लेकिन इसका रोना रोने से कोई फायदा नहीं है, जिनके अंडर में है वो अपना काम करें, जो हमारे हाथ में जो कुछ है हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे हाथ में था सीसीटीवी कैमरे लगाना, हमारे हाथ में है डार्क स्पॉट्स को लाइट्स लगाना, हमारे हाथ में था बसों के अंदर सीसीटीवी लगाना, बसों के अंदर मार्शल लगाना, बसों में यात्रा फ्री करना। महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हमारा नौवां सिद्धांत है बुजुर्गों को सम्मान। जो समाज अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं देता, उसका समाज का अंत निश्चित है, वो समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो हमने अपने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए तरह तरह के कदम उठाए, लेकिन सबसे अहम कदम उठाया कि हम अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के ला रहे हैं, जगह जगह तीर्थ यात्रा करा के, और उनसे जब वो लौटते हैं, मैं खुद मिला हूं उनसे, जो ये उनका आखिरी फेज है जिंदगी का, और ये आखिरी फेज हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि आदमी अपना भगवान में लीन होके अपना आखिरी जिंदगी का फेज बिताना चाहता है। तो वो जब लौट के आते हैं उन तीर्थ स्थानों में, तो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन। और हमारा दसवां सिद्धांत है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में सब बराबर हैं, सभी जाति के धर्म, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, किसी भी जात के हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे ठाकुर हों, चाहे वाल्मीकि समाज के हों, चाहे जाटव समाज के हों, चाहे इस समाज के हों, सभी जाति, सभी धर्म, जैसा मैंने कहा कि रामराज की परिकल्पना में श्री रामचंद्र जी ने भिलनी के झूठे बेर खाए थे, उनके जीवन से अगर हमें प्रेरणा लेनी है तो उनके राज के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था कि ये ऐसा है, ये अमीर है, ये गरीब है, सबको बराबर तरीके से भाईचारे के साथ सब लोग रहें, शांतिपूर्वक सब लोग रहें, शांतिपूर्वक पूर्वक अपना निर्वाह करें।
आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।